What is the hype around niche perfumes? We are going to unfold that in this video today. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. This was my second attempt to get niche fragrances. और niche fragrances इस तरह से luxurious packaging में आती हैं. I have the entire collection, everything that they have on the website. I'm believing so. So all the fragrances are in here. But for now, in this video, हम सिर्फ women's fragrances की बात करेंगे. And in the women's section, we have 4 fragrances. So keeping that in mind, let's quickly get into this video and roll the intro. Let's again have a close look at the packaging. इतने अच्छे से packed हैं सब चीज़ें and I love the luxurious feel that niche gives to their fragrances and the packaging of them. I mean, Discovery said mein koi casually bhi is kaam ko kar sakta tha, but they put a lot of effort in it. Aur bahut hi acha leatherette type ka ye ek cover hai. Leather sheet use ki gayi hai. I mean, these are leather sheets that are specially available for packagings. So let's start with the first one, and that is Song of Serenity. I'll keep showing the bottles on the screen as I do not have the full bottles. Men or unisex fragrances के लिए मैं एक अलग video बनाऊंगी जिसमें कि मैं उनके बारे में बात करूंगी. But today we are just talking about the parfum. इसके notes में हमारे पास top में है lavender, lemon, rose. Heart notes we have sandalwood, saffron, frankincense. Base we have amber, oak moss, musk and agarwood. इसकी एक unique opening है जो कि lavender और lemon का mix है along with rose. लेकिन वो rose कोई red rose या typical traditional rose नहीं है, वो एक light या white rose जैसा feel हो रहा है. ये notes इसको एक बहुत ही unique सी opening देते हैं. I mean, आपने lavender और lemon का especially women's fragrances में नहीं सुना होगा कि वो इस तरह से open हो. और फिर इसके middle notes इसको और ज़्यादा depth provide करते हैं. और बहुत जल्दी इसके base notes, I mean, मुझे नहीं लगता कि वो middle notes बहुत ज़्यादा overtake कर पाते हैं, बस एक slight depth add करते हैं fragrance में और बहुत जल्दी इसके बेस नोट्स टेक ओवर कर लेते हैं. और बेस में आते आते ये एक मस्की पाउडरी वुडी फ्रेग्रेंस में बदल जाती है, क्योंकि हमारे पास इसमें दो अलग तरह के वुड्स हैं, सैंडलवुड भी है और अगरवुड भी है. समवेयर द लेमन लिंगर्स इन दिस फ्रेग्रेंस और वो साथ साथ चलता रहता है और बेस तक भी आता है. आई मीन, अगर मैं अभी इसको स्मेल कर रही हूँ तो मैं वो लेमन भी स्मेल कर पा रही हूँ. मेरी ओपिनियन में ये एक कम्प्लीटली मस्क डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है, जिसमें हेयर एंड देयर पाउडरीनेस, वुडीनेस और थोड़ी सी यू नो मिक्स ऑफ फ्लोरल्स एंड सिट्रस है. कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, नो डाउट्स अबाउट दैट. बट ऑनेस्टली ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो मेरी पर्सनल लाइकिंग नहीं होगी. और ये एक इट्स जस्ट वे टू मस्की फॉर माई ओन लाइकिंग. मुझे इतनी ज़्यादा मस्की फ्रेग्रेंसेस अगर स्वीटनेस के साथ ना आती हूँ, क्योंकि इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है राइट फ्रॉम द टॉप टिल द एंड. और मस्की फ्रेग्रेंसेस अगर स्वीटनेस के साथ ना आए तो मेरे लिए उनको टॉलरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड दिस वन इज जस्ट वे टू मस्की फॉर मी. आई ऑल्सो सी दिस एज मोर लेस अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस. और मैं इसको एक, क्योंकि इसमें एक लैवेंडर का जो नोट है ना, वो इसमें हल्की सी मैस्कुलिनिटी ऐड कर रहा है. और मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये एक बहुत फेमिनिन फ्रेग्रेंस नहीं है, या तो एक ये बोल्ड वुमेंस मस्की फ्रेग्रेंस है. अगर आपको बहुत ज़्यादा मस्की फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, आप उस डायरेक्शन में जाना पसंद करते हैं, या आपकी स्किन केमिस्ट्री के साथ मस्क बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस. लेकिन मेरी ओपिनियन में ये एक बहुत फेमिनिन फ्रेग्रेंस नहीं है. आई मीन, फेमिनिन सेक्शन में होके भी आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर इफ इट हैड अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस टू इट एंड अ लिटिल बिट ऑफ फेमिनिटी टू इट. लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग इसका लैवेंडर और इसका मस्क इज काइंड ऑफ रूइनिंग इट फॉर मी. आई मीन, इट्स अ फाइन फ्रेग्रेंस, इट्स एन ओके फ्रेग्रेंस, बट इट्स नॉट फॉर मी. द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मेहर. मेहर एक नई फ्रेग्रेंस नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है मेहर इनके पास पहले भी थी. मेहर के टॉप नोट्स में हमारे पास है पैशन फ्रूट, ऑर्किड, जैस्मिन, saffron, bergamot. Heart we have red berries, amberwood, lily of the valley and ambergris. Base notes we have musk and sandalwood. It has a beautiful burst of sweet citrus along with floral notes. Ek acha balance hai fruity, floral aur citrusiness ka. Middle ke jitne bhi florals hain aur jo bhi notes hain, wo bahut achhi ek delicate vibe isko de rahe hain.
और एक डेलिकेसी फेमिनिटी इसमें ऐड कर रहे हैं, और बेस में एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ मस्क है जो कि बहुत ओवर द टॉप नहीं है, इट्स जस्ट एडिंग टू द फ्रेग्रेंस अलॉन्ग विद द सैंडलवुड। अगर मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना करके और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही सिंपल स्लाइटली स्वीट फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस है जिसमें कि फ्लोरल्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, फ्रूट्स का डोमिनेंस इतना ज़्यादा नहीं है। इट्स अ लाइट एंड ब्राइट एवरीडे इजी रीच फ्रेग्रेंस एंड इट इज़ नॉट स्मेलिंग लाइक अ यूनिक फ्रेग्रेंस। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको स्मेल करके कुछ बहुत अलग और बहुत यूनिक स्मेल किया हो। इनफैक्ट ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ वहाँ मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांड में इस तरह की फ्रेग्रेंस स्मेल की है फॉर श्योर। या दैट इज़ वॉट इट इज़ स्मेलिंग लाइक। तो इसकी कोई इट रियली डज नॉट हैव अ कैरेक्टर टू इट। अगर आप सिर्फ एक फ्रेश फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हैं तो आप इसकी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आई एम लाइक ओके विद इट, बट माई माइंड हैज़ नॉट बीन ब्लोन येट। द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस दैट वी आर ट्राइंग इज स्प्लेंडेड रोज। स्प्लेंडेड रोज के टॉप नोट्स में है रोज, लेमन, बर्गमॉट, ग्रेप फ्रूट। हार्ट नोट्स वी हैव जैस्मिन, जुरेनियम, लिली, फिर रेजन। बेस नोट्स वी हैव मॉस, एम्बरग्रीन एंड पैचुली। इसकी एक सिट्रसी रेड रोज वाली ओपनिंग है लेकिन एक ग्रीननेस के साथ, जैसे कि सिट्रस का सिर्फ जूस नहीं उसकी लीव्स भी साथ में क्रश की गई हों। नींबू की पत्तियां कभी कभी क्रश कर दो तो उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, एक ग्रीननेस के साथ मिक्स होके, उस तरह की सिट्रसी ओपनिंग है इसकी रोज के साथ। और जो बाकी के फ्लोरल्स मिडिल में हैं वो बस एक लाइटनेस ऐड कर रहे हैं, उनमें से कोई भी नोट ऐसा नहीं है जो टेक ओवर कर रहा हो या ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है इसमें। जिस एक होता है ना कि मिलजुल के सब कुछ और एक अच्छा लाइट फील दे रहा हो फ्रेग्रेंस को, उस तरह की फील है इसकी। और बेस में आते आते इसमें पैचुली स्पाइसीनेस ऐड कर रही है और उसके साथ हमारे पास मॉसीनेस है, एक डैम्प गीली गीली मॉसी फील है इस फ्रेग्रेंस में। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मुझे पर्सनली मॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी फ्रेग्रेंसेस में क्योंकि इट काइंड ऑफ गिव्स मी हेडेक फॉर सम रीज़न। अगेन आई वुड लाइक टू से कि एक ग्रीन स्पाइसी रोज डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है जिसमें कि एक मॉसीनेस है बेस में आते आते, कुछ भी यूनिक नहीं है। अगेन दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस जो ऐसे लगता है कि हियर एंड देयर किसी न किसी ब्रांड में डेफिनेटली हमने स्मेल की होगी। फ्रेश है, थोड़ी सी स्पाइसी है, रोजी है, थोड़ी सी मच्योर साइड पे है, ग्रीन है, लेकिन उतनी यूनिक नहीं है जितना हम सोचते हैं ना कि नीश का ब्रांड है, हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होगा। सो अभी तक वो नहीं हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फ्रेग्रेंस दैट वी हैव। एंड द लास्ट फ्रेग्रेंस दैट वी हैव इज फ्लोरा डिवाइन। ऐसे लग रहा है ना कि इन फ्रेग्रेंसेस को क्रिएट करने में इतना सेफ प्ले किया है नीश ने, जो रेगुलर फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस होती हैं बस कस्टमर्स को वो दे दो और अपने हाथ झाड़ लो। सीरियसली ऐसा लग रहा है। फ्लोरा डिवाइन के टॉप नोट्स में है मैंडरिन, पेयर, कैसिस, ऑरेंज। हार्ट हैज जैस्मिन, मैग्नोलिया, जेरेनियम, रोज, ओरिस। बेस नोट्स हैव मस्क, एम्बर, वनीला, सैंडलवुड। आई हैव टू से आई एम डिसअपॉइंटेड एट दिस पॉइंट। ये एक जैसे अदर शॉप्स में जैस्मिन डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं, ये बिल्कुल वैसा स्मेल कर रहा है। कोई भी दूसरा तीसरा ब्रांड जो कि एक अतर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बेचते होंगे उनके पास एक ऐसा जैस्मिन फ्रेग्रेंस मिल जाएगा। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि ये एक मॉडर्न टेक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अतर जैसा स्मेल नहीं कर रहा है लेकिन फ्रेग्रेंसेस डिराइव फ्रॉम अतर ये बिल्कुल वैसा ही स्मेल कर रहा है। थोड़ी सी वुडीनेस और मस्कीनेस है जैस्मिन के साथ लेकिन कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कुछ भी यूनिक नहीं है। बहुत ही सेफ और बहुत ही बोरिंग जैस्मिन फ्रेग्रेंस है ये मेरी ओपिनियन में। मुझे कोई मज़ा नहीं आता है ब्रांड्स को बैश करने में या उनके बारे में बुरा बोलने में, लेकिन जब एक एफर्ट की कमी दिखाई देती है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ दिस ब्रांड। इन फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंसेस नहीं है। ये ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं कि आप 2-3 स्प्रे इनके कीजिए, लाइट हैंड रखिए इन पे और ये आपको एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस देंगी। लेट्स से 6-8 घंटे की फ्रेग्रेंस देंगी और एक माइल्ड टू मीडियम प्रोजेक्शन रहेगा विच इज़ लाइक कीपिंग देम ऑन द क्लासियर साइड ऑफ थिंग्स। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नॉट अ साइन ऑफ अ क्लासी फ्रेग्रेंस इन माई पर्सनल ओपिनियन। तो बीस्ट मोड प्रोजेक्शन नहीं है, मॉडरेट प्रोजेक्शन है इन फ्रेग्रेंसेस का और इनका स्टे स्किन पे बहुत अच्छा है।
क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनके इंग्रेडिएंट्स आप जितना मर्जी स्मेल कर लेना, लेकिन वो आपको हेडेक नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस कोई एक पर्टिकुलर नोट ऐसा है जो आपकी यू नो सेंसेस के साथ नहीं जाता है, अनटिल एंड अनलेस दैट्स द केस। सो आई लाइक द क्वालिटी ऑन दीज, टॉप नॉच क्वालिटी तो मैं अभी भी नहीं कहूँगी इसको, आई हैव स्मेल्ड बेटर देन दिस, लेकिन प्राइसेज एंड फ्रेगरेंसेज के बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये एक ओवर हाइप्ड, आई मीन लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ प्रमोशन, अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग ऑन प्रमोशन, ये एक ओवर हाइप्ड ब्रांड है। इन्होंने फॉरेनर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके उनसे वीडियोस बनवा के और ये प्रूव कर दिया है कि ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है और ये आपको बहुत अच्छे ड्यूप्स दे रहा है डिज़ाइनर्स के, तो आप उस ट्रैप के लिए फॉल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जेनेरिक स्मेलिंग फ्रेगरेंसेस हैं। इनमें से एक भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड आई वुड लाइक टू बाय इट। हो सकता है पिछला स्टॉक इनका बहुत अच्छा रहा हो जब स्टार्टिंग में नीश शुरू हुआ था, तो आई रिमेम्बर कि इनके पास कुछ गोरमोंट फ्रेगरेंसेस भी थे, कुछ कोकोनट फ्रेगरेंसेस थे, सो उस तरह की नोट्स वाले फ्रेगरेंसेस मैंने देखे हैं इनकी वेबसाइट पर। बट एट प्रेजेंट हुआ क्या कि जब मैं अपना ऑर्डर प्लेस करने लगी, मैंने देखा अमेजोन पे भी कुछ डिस्कवरी सेट अवेलेबल था और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ और ही अवेलेबल था, तो मैंने इनकी कस्टमर केयर पे कॉल किया, तब मुझे पता चला कि दे आर डिसकंटिन्यूइंग द ओल्ड फ्रेगरेंसेस और ये जो स्टॉक अभी हमारे पास है ये ही प्रेजेंट स्टॉक रहेगा एंड इन द फ्यूचर ये ही रोल करेगा। सो आई डिसाइडेड कि मैं पुरानी फ्रेगरेंसेस ना लेके, क्योंकि वो स्टॉक जब तक लास्ट करेगा बस तभी तक वो बिकेंगी, उसके बाद वो नहीं रहेंगी। So I bought the discovery set with the updated collection. Prices की अगर मैं बात करूँ, ओवर प्राइस्ड फ्रेगरेंसेज हैं ये। 100 ml की बॉटल आपको 8,000-9,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिल रही है, विच इज़ जस्ट नॉट जस्टिफाइड। ऐसा फ्रेगरेंस किसी भी अदर शॉप से आप बनवा लोगे जाके, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीश बहुत बुरा ब्रांड है, लेकिन ऐसे फ्रेगरेंसेज आप किसी अच्छे अदर शॉप पर जाओगे ना, वो भी आपको ऐसा मॉडर्न फ्रेगरेंस बना के दे देंगे। और अगर मैं आपको ये बोल के कन्विंस करने की कोशिश करूँ बाय करने के लिए कि आप 15 ml ले लो और वो 1500 रुपये का आएगा, तो आप सोच के देखो कि 1500 रुपये में आप किसी भी मिडल ईस्टर्न ब्रांड का फुल बॉटल, 100 ml बॉटल खरीद सकते हैं। आपको 15 ml का छोटा डीकैंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1500 रुपये में। सो प्राइसेस तो मेरी समझ से बाहर हैं। दूसरी बात, एक भी फ्रेगरेंस मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बस अभी इसे खरीदूं, आई एम लविंग इट सो मच कि मैं इसको जाके ले लूं और मेरी कलेक्शन में ये फ्रेगरेंस चाहे 15 ml ही सही होना चाहिए, ऐसा भी मुझे नहीं लगा। और तीसरी बात जो मुझे लगी कि देर इज़ अ लैक ऑफ वैरायटी। हमें सारे ही फ्लोरल और मस्की डोमिनेटिंग फ्रेगरेंसेस दे दिए, मस्क और फ्लोरल का मिक्स, थोड़ा बहुत इधर उधर हेयर फेयर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक कम्प्लीटली फ्रूटी फ्रेगरेंस दी गई हो या कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की गई हो या एक गोमॉन फ्रेगरेंस दी हो या एक डार्क वुडी सेक्सी फ्रेगरेंस देने की कोशिश की गई हो। जितना दिमाग इन्होंने इसकी प्रमोशन पे लगाया ना, उससे आधा दिमाग भी अगर फ्रेगरेंसेस को बनाने पे लगाया होता, तो आई थिंक मैं आज यहाँ बैठ के ये बोल रही होती कि जाइए और नीश खरीदिए, इट्स टोटली वर्थ द प्राइस। यही फ्रेगरेंसेस अगर ये स्किन टाइटन के प्राइस रेंज में बेचेंगे ना, तो शायद मैं कंसिडर करूँ इसको लेने का और कंसिडर करूँ इसको रिकमेंड करने का, बट एट प्रेजेंट दिस इज एन ओवर प्राइस्ड एंड ओवर हाइप्ड ब्रांड फॉर मी। लेट्स सी मेंस फ्रेगरेंसेस का रिव्यू इस ब्रांड के बारे में कैसा जाता है, बट माय वुमेन आउट देयर, सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट इन सम लताफाज एंड पेरिस कॉर्नर फ्रेगरेंसेस, एंड दैट इज द पावर ऑफ नॉट टेकिंग कोलैबोरेशंस। आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी परफ्यूम कोलैबोरेशंस लेटली, लेकिन मैं इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि जहाँ आपने उनसे फेवर ले लिया कि आप मुझे या तो परफ्यूम्स भेज दो या आप मुझे पे कर दो, जहाँ भी ये फेवरिज्म स्टार्ट हो जाता है ना, वहाँ आप यू कैन नॉट स्पीक योर माइंड, यू कैन नॉट टेल पीपल की सच्चाई क्या है इस ब्रांड की। सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट टेक कोलैबोरेशंस एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द वर्क दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज ब्रांड्स, बट आई एम नॉट रेडी to pollute my channel with fake reviews. So keeping that in mind, अगर आप अभी भी यही हैं और मुझे देख रहे हैं, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. Subscribe कर लीजिए guys. जितना ज़्यादा आप subscribe करेंगे उतने इस channel को support मिलेगा, उतना ये channel grow करेगा और उतना ही मुझे मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे reviews लेके आ सकूँ. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smiling, and have a great day all. Bye bye.